सुनेंगे, कौन सा कहानी सुनेंगे? तो सिद्धार्थ नामक एक राजकुमार था, उसने एक हंस पक्षी को बचा लिया। कैसे बचा लिया, आज हम उस कहानी के बारे में सुनेंगे और पढ़ेंगे। कौन सी कहानी? सिद्धार्थ की, दयावान सिद्धार्थ। दयावान, दयावान यानी दये तो सुधु, दये अंद्रे इन्नु गोत्तैतल्ल करुणे, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆಯನ್ನ ಒಂದು ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ, ಅವರು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ. ಅಚ್ಚ ಮಕ್ಕಳೇ, ತೊ ಅಪ್ನಿ ಅಪ್ನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಿಕಾಲೋ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 45. ಕೌನ್ಸಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 45, ಪಾರ್ಟ್ 10, ದಯಾವಾನ್ सिद्धार्थ, पार्ट 10, दयावान सिद्धार्थ निकालिया। यस, तो पहले क्या करना है, आशय क्या है इस पार्ट के, से इस पार्ट से हमें क्या सीख मिलती है वो हम पढ़ेंगे। आप मेरे साथ साथ आप भी पढ़ना बच्चों। अच्छा बच्चों, हिंसा के बदले अहिंसा को श्रेष्ठ सिद्ध करना, मानवीय गुणों की स्थापना करना, हिंसा के बदले अहिंसा को, हिंसा यानी मारपीट करना, अहिंसा यानी मानाई, हमारी बोलने से वो व्यक्ति अहिंसावादी होना चाहिए जैसे हमें रहना चाहिए। तो मानवीय गुणों की स्थापना करना, यहाँ पर इस पाठ पर हम क्या सीखते हैं, मानवीय के गुणों को, हंसना बोलना संयम से रहना, ये हम सीखते हैं बच्चों। मेरे साथ आप ही पढ़ते जाओ। संध्या का समय, राजकुमार सिद्धार्थ राजमहल के सामने बगीचे में टल रहा है। अचानक उसके सामने एक हंस पक्षी घायल होकर आ गिरता है। सिद्धार्थ उसे उठा लेता है। तो को संध्या का समय, संध्या का समय यानी सायंकाल, संध्या यानी सायंकाल था, इवनिंग था। तो इवनिंग राजकुमार क्या कर रहा था, राजकुमार अपने बगीचे में टहल रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, टहलना यानी वॉकिंग करना, वॉकिंग कर रहे थे कौन, राजकुमार। राजकुमार अपने बगीचे में टहल रहे थे, तभी अचानक एकदम से एक हंस पक्षी वहां पर घायल होकर आ गिरता है। आ गिरने के बाद सिद्धार्थ उसे उठा लेता है, कौन उठा लेता है, सिद्धार्थ हंस पक्षी को उठा लेता है। सिद्धार्थ को इस पक्षी को किसी ने मारा है, उस पक्षी को उठा लिया और अपने हाथ में लिया, देखा तो उसको मारा हुआ था, तो समझ गया सिद्धार्थ, तो बोला इस पक्षी को किसी ने मारा है, खून बह रहा है, मैं इसकी रक्षा करूंगा, क्या करूंगा, रक्षा। कौन रक्षा करता है इसका, सिद्धार्थ। पक्षी को लेकर उसका घाव धोता है, उसे पानी पिलाता है। घाव यानी उसका, वो पक्षी को मारा हुआ था ना, उसको क्या बोलते हैं, घाव बोलते हैं, पेन, उसे पानी पिलाते। इतने में उसका चचेरा भाई देवदत्त वहां आता है, वह गुस्से में है, हाथ में तीर कमान है। तो उसके चचेरे भाई, कजिन ब्रदर, चचेरा भाई यानी कजिन ब्रदर, को ब्रदर, कजिन ब्रदर, ऐसे हम कहते चचेरे भाई ने, चाची का, चाचा का भाई। कौन आया,
देवदत्त। देवदत्त आया, वह गुस्से में से है, हाथ में तीर कमान है। देवदत्त, राजकुमार ओ मेरा शिकार तुम्हारे पास है, मैं कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ। तो देवदत्त आकर बोला, ये तो मेरा शिकार है, मेरे शिकार तुम्हारे पास है, तो मैं इधर उधर बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। कहकर देवदत्त ने बोला, सिद्धार्थ, देवदत्त क्या तुमने इसे मारा है? सिद्धार्थ ने पूछा देवदत्त को, तुमने इसको मारा है क्या? नहीं। देवदत्त, हाँ मैंने ही इसे तीर से मार गिराया। तो देवदत्त ने हाँ बोला, मैंने इसको मारा है। सिद्धार्थ, भाई तुमने अच्छा नहीं किया, निरपराध जीव को मारना धर्म नहीं, सब जीवों पर दया करना मनुष्य धर्म है। तो सिद्धार्थ ने बोला, तुमने अच्छा नहीं किया, निरपराध जीव को मारना धर्म नहीं है, तो इस छोटे पक्षी को तू क्यों मारा? इसको मारने का तुम्हें बिल्कुल हक नहीं है, तू क्यों मारा? ऐसे सिद्धार्थ ने बोला और साथ मनुष्य धर्म का भी उसको बोला। सिद्धार्थ, देखो भाई, मैं दया धर्म आदि नहीं सोचता, यह पक्षी मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। देवदत्त क्या बोला, देखो भाई, देखो भैया, मुझे तो दया धर्म क्या भी मुझे मालूम नहीं है, मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं, बल्कि ये पक्षी मेरा है, मैंने इसको शिकार किया है। देवदत्त हंस को चीन लेने हाथ बढ़ाता है। ऐसे हंस पक्षी को लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन हंस उससे खामते हुए सिद्धार्थ के पीछे छुपता है। हंस भय से कांपते हुए राजकुमार की गोद में दुबक जाता है। वो पकड़ रहा था ना, वैसे ही ऐसा मुड़ होकर और भी अंदर जाता है। सिद्धार्थ हंस के शरीर पर प्यार से हाथ पैरते हुए अपने पक्षी को, उस हाथ में से पक्षी था ना, उस हंस पक्षी को ऐसे हाथ पैरते हुए बोला, देखो देवदत्त, तुम्हारा कहना ठीक है, तुमने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने तो इसकी जान बचाई है, इसलिए यह हंस मेरा है। तो सिद्धार्थ बोला, ये तो तुमने मारा है, मुझे मैं मानता हूँ, लेकिन इसको मैं बचाया हुआ हूँ, इसलिए तुम यह इसको नहीं छीन सकते। ऐसे सिद्धार्थ बोला। देवदत्त क्रोध प्रकट करते हुए, बहुत गुस्सा आया उसको, क्रोध यानी गुस्सा, एंग्री, बहुत गुस्सा हुआ उसको, बहुत गुस्सा आया सिद्धार्थ नहीं देने वाला समझकर। यह मेरा ही है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये तो मेरा पक्षी है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ऐसे देवदत्त बोला। हंस को लेने आगे बढ़ता है, सिद्धार्थ पीछे हटता है। जैसे ही देवदत्त आगे बढ़ता है तो सिद्धार्थ पीछे हटता है। सिद्धार्थ, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा, सिद्धार्थ बोला, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये मेरा है। सिद्धार्थ और देवदत्त में झगड़ा शुरू हुआ हंस पक्षी को लेकर। हंस पक्षी मेरा है, हंस पक्षी मेरा है, दोनों को इस झगड़े हो रहा था। तभी कौन आया? तभी महाराज आए। देवदत्त बोला कि तब मैं महाराज से शिकायत करूंगा। तो ये झगड़ा होने चल रहा था, तो देवदत्त बोला, महाराज को मैं शिकायत करूंगा। सिद्धार्थ, ठीक है चलो उन्हीं से पूछते हैं कि हंस पर किसका हक है। तो सिद्धार्थ बोला, चलो बच्चों, चलो देवदत्त, मैं और तुम दोनों जाकर महाराज से पूछेंगे कि ये किसका हंस पक्षी है। इतने में महाराज और मंत्री बातें करते हुए वहां आते हैं, बच्चों को देखकर पूछते हैं। तो वहां पर कौन आए? महाराज। महाराज आए। महाराज, क्या बात है बच्चों, यहाँ क्या कर रहे हो? तो महाराज और मंत्री दोनों क्या कर रहे थे? बातें करते जा रहे
तभी ने वहां पर देखा कि दोनों झगड़े कर रहे हैं। तो पूछा महाराज क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है? मंत्री, महाराज लगता है कि दोनों में कोई झगड़ा चल रहा है। तो मंत्री ने उस दोनों को देखकर ही समझ में गया कि यहाँ पर झगड़ा हो रहा है। कौन समझ गया? मंत्री। कौन समझ गया? मंत्री समझे। महाराज क्यों देवदत्त, झगड़ा का क्या कारण है? देवदत्त से पूछा महाराज। तो देवदत्त क्या है, तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो? ऐसे महाराज पूछा। एक केड़ी तो महाराज है, राजा एक केड़ा, देवदत्त मत सिद्धार्थ नहीं पूरी आग झगड़ा होना करते रहे अंता केड़ी तो। Why or discuss? What is the discussion about? Two. महाराज देवदत्त तुम बोलो क्या बात है? देवदत्त, महाराज राजकुमार मेरा शिकार नहीं दे रहे हैं, मैंने उसको तीर से मार गिराया है। तो देवदत्त बोला, महाराज राजकुमार सिद्धार्थ मेरे शिकार को मुझे नहीं दे रहा है, वो तो मैंने ही मारा है। महाराज सिद्धार्थ क्या यह सच है? तो सिद्धार्थ से पूछा महाराज ने, क्या है, दिस इज ट्रू? सिद्धार्थ, हाँ महाराज यह हम्स घायल होकर तड़प रहा था, मैंने उठाकर इसका घाव धोया और पानी पिलाया, अब हम्स पर हम्स मेरा है क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई। तो सिद्धार्थ बोला, यस दिस इज द ट्रूथ, हम्स पक्षी को मैंने देवदत्त ने मारा है, लेकिन सिद्धार्थ बोला कि मैं इसका जान बचाया हूँ, पानी पिलाया हूँ, इसलिए हम्स मेरा है। महाराज राजकुमार क्या तुम मानते हो कि देवदत्त ने हम्स का शिकार किया है? सिद्धार्थ, जी हाँ मानता हूँ महाराज, तब तो यह शिकार देवदत्त को मिलना चाहिए। तो क्या बोला महाराज, तब तो इसको तुम दोनों को देवदत्त ने शिकार किया है तो सिद्धार्थ को देना चाहिए कि ये हम्स पक्षी देवदत्त का है। मंत्री, तभी मंत्री जी बोले, नहीं महाराज इस बात का निर्णय स्वयं हम्स ही करेगा। तो मंत्री बोला, इस झगड़े को हम्स पक्षी खुद झगड़ा ठीक करेगा। तो महाराज यह कैसे, इस झगड़े को खत्म हम्स पक्षी कैसे करेगा? मंत्री, ऐसे सिद्धार्थ के हाथ से हम्स को अपने हाथ में लेकर, देखो मैं इसे नीचे छोड़ता हूँ, तुम दोनों उसे बुलाओ, जिसके पास आएगा हम्स उसका होगा। तभी मंत्री जी बोले कि मैं इस हम्स पक्षी को हाथ में लेकर नीचे छोड़ता हूँ और आप दोनों क्या करना है, उसको बुलाना है। तो हम्स पक्षी किसके पास आएगा, उस हम्स पक्षी उसका हुआ। महाराज देवदत्त जाओ तुम हम्स को बुलाओ, अगर तुम तुम्हारी तरफ आया तो हम्स जरूर तुम्हारा होगा। तो मंत्री जी का जैसे कहे वैसे दोनों राजकुमारों ने मान लिया और महाराज बोला, देवदत्त तुम पुकारो। यह सुनकर देवदत्त हाथ बढ़ाता है, लेकिन हम्स डर कर पीछे हटते हटते एकदम सिद्धार्थ की तरफ तेजी से चलने लगता है। तो क्या हुआ, देवदत्त जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो हम्स पक्षी उसके पास नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि सिद्धार्थ देवदत्त उसने मारा था ना, इसीलिए उसको घायल कर दिया था। लेकिन सिद्धार्थ के पास हम्स पक्षी धीरे धीरे चलने लगा। क्यों धीरे धीरे सिद्धार्थ के पास चलने गया? सिद्धार्थ ने उसको घाव को पानी में उसके घाव को धोया और उसको पानी पिलाया, इसलिए। उसी समय सिद्धार्थ हाथ बढ़ाता है, हम्स को अपनी गोद में लेता है। मंत्री, झगड़ा सुलझ गया, हम्स को देवदत्त ने मारा था लेकिन सिद्धार्थ ने बचाया था, इसलिए हम्स उसके पास गया। तो कौन बचाया? सिद्धार्थ। किसको? हम्स पक्षी को, है ना। तो हम्स पक्षी को सिद्धार्थ ने बचा लिया, तो सिद्धार्थ के पास हम्स पक्षी गया और झगड़ा सुलझ गया। महाराजा सच है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो मारने वाला से कौन बड़ा होता है? बचा
बचाने वाला। तो हंसपशु को किसने बचाया? सिद्धार्थ ने बचाया। महाराज और मंत्री राजमहल की ओर चलते हैं। देवदत्त गुस्से में आकर बगीचे से बाहर निकलता है। सिद्धार्थ हंस की पीठ पर हाथ फेरते हुए बगीचे में टहलने लगता है। तो ये है स्टोरी ऑफ सिद्धार्थ। सो यहाँ पर कौन जीता? सिद्धार्थ जीता। तो क्यों? इसलिए सिद्धार्थ ने हंस पक्षी को बचाने से सिद्धार्थ यहाँ पर बड़ा हो गया और बचाने वाला हम उसे कहते हैं बच्चों। तो समझ गए? यस। सो व्हाट इज द टुडे होमवर्क फॉर यू? सो टुडेज होमवर्क फॉर यू, कठिन शब्द, कठिन शब्द लिखना है अपनी पार्ट में से। दयावान सिद्धार्थ पार्ट में से कठिन शब्द लिखना है। शब्दार्थ जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, यहाँ पे से जानो, यहाँ पे दिया गया है ना, इस शब्दार्थ को लिखना है। और एक कॉपी राइटिंग, और एक पेज कॉपी राइटिंग। एक पेज कॉपी राइटिंग आपको लिखना है बच्चों। अच्छा बच्चों, आपका आज का होमवर्क कठिन शब्द, शब्दार्थ, एक पेज, लेखन। जो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज करूंगी, उस एक्सरसाइज के साथ आपको क्या करना है? पढ़ना भी है और लिखना भी। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे। थैंक यू।